हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम रेडमी नोट 5 या रेडमी के किसी भी फ़ोन को अपडेट कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं अपना सेटिंग ऐप ओपन करता हूँ। दोस्तों, सेटिंग ऐप ओपन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अबाउट फोन का ऑप्शन दिखा रहा है सबसे पहले नंबर पर। दोस्तों, अबाउट फोन का ऑप्शन आपके फोन में नीचे भी दिखा सकता है दोस्तों, तो आप अबाउट फोन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, मैं अपने अबाउट फोन के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। दोस्तों, उसके बाद क्या करना है आपको देख सकते हैं यहां पर सिस्टम अपडेट लिखा है, सिस्टम अपडेट पर क्लिक करना है। दोस्तों, आप जैसे सिस्टम अपडेट पर क्लिक करेंगे ये चेक इन करके बता देगा कि आपके फोन में है न्यू अपडेट अवेलेबल है कि नहीं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अब लिखा है नो अपडेट अवेलेबल, क्योंकि दोस्तों कल मैंने अपने फोन को जो है अपडेट कर लिया था। दोस्तों, आप देख सकते हैं नीचे लिखा है चेक फॉर अपडेट। आप जैसे चेक फॉर अपडेट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर चेक करके बता देगा कि आपके लिए जो न्यू अपडेट आया है कि नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो अपने फ़ोन को जो है आप अपडेट कर सकते हैं और नए अपडेट का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, जो रेडमी फ़ोन को या किसी भी फ़ोन को जो अपडेट करने के दोस्तों कई फायदे हैं। दोस्तों, आप जैसे ही फ़ोन को अपने फ़ोन को अपडेट कर देते हैं तो दोस्तों नेट का जो आपके मोबाइल का प्रोसेसर है अच्छा से जो है काफ़ी मतलब अच्छा से कार्य करने लगता है, और जिससे मोबाइल आपका जो अच्छा वर्क करने लगता है, जिससे मोबाइल आपका काफ़ी जो है बढ़िया चलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो अपने मोबाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।